त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जारी आचार संहिता के चलते अवैध शराब की तस्करी करने वालों पर नकेल कसने थाना कोतवाली की टीम की कार्यवाही। राजगढ़ पुलिस टीम को अवैध शराब पकड़ने में बड़ी सफलता मिली। 107 पेटी बियर, अंग्रेजी शराब व पिकअप वाहन के साथ दो आरोपी सहित कुल 10,93,000 रुपए से अधिक का मशरूका जब्त हुआ। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जारी आदर्श आचार संहिता के चलते अवैध शराब की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री अवधेश कुमार गोस्वामी निर्देशन में जिले में अभियान चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में अति पुलिस अधीक्षक राजगढ़ श्री मनकामना प्रसाद एवं सुश्री सनम बी खान विभागीय अधिकारी पुलिस राजगढ़ के मार्गदर्शन में दिनांक 28/6/2022 को मुखबिर सूचना पर कोतवाली पुलिस की टीम ने अवैध शराब की तस्करी करने वालों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। वर्तमान में ग्रामीण निकाय चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव की आचार संहिता इम्पोज है, उसी के चलते ना विभिन्न घटकों में पुलिस के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। मुख्य रूप से जो चुनाव को प्रभावित करने में अवैध शराब, अवैध शस्त्र, मादक पदार्थ और ऐसी चीज़ें जिससे व्यक्ति प्रभावित होता है, उनसे पता पुलिस को जानी चाहिए। इसी कार्यक्रम में कल कोतवाली पुलिस के द्वारा वाहन चेकिंग राजस्थान और मध्य प्रदेश की एक रोड पर लगा रखी थी, तो चेकिंग द्वारा इनको सूचना प्राप्त हुई कि एक वाहन जो आ रहा है कार्रवाई थाना प्रभारी कोतवाली वो अनेक कार्रवाई करते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि पुलिस ये नहीं, इसके अलावा अन्य कार्रवाई करते हैं। इस प्रकार को विदित होगा कि थाना लीमा चौहान ने पुलिस के द्वारा शोषितों का प्रकरण बनाया, अपराध क्रमांक 144 बता पाई, उसमें भी लगभग 120 क्विंटल मजरा पकड़ी, जो 6000 क्वार्टर कन्वर्ट होकर 180 लीटर वाहन पकड़ा था। और जिले तक के मैं अवैध शराब के आंकड़ों को बताना चाहता हूँ। पुलिस के द्वारा अभी तक ना लगभग 1000 लीटर अंग्रेजी शराब और 2394 लीटर देसी शराब को जब्त करने में सफलता अर्जित करी। लगभग 11,17,000 रुपये के हम लोगों ने मदिरा जब्त करी और 1,06,00,000 रुपये का उसको परिवहन करने में बढ़ा। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि पुलिस लगातार अवैध मदिरा पे और अवैध जितनी भी एक्टिविटीज होती है उनके लगातार कार्रवाई करती है। आपके माध्यम से सूचना भी देना चाहता हूँ, कृपया किसी प्रकार से आप अवैध मदिरा या अवैध प्रकार के गतिविधियों से मतदाताओं को उठाने का प्रयास न करें। पुलिस बहुत सजग है, जल्द जल्द चेकिंग करें। जहाँ पर भी व्यक्ति मिलेंगे तो हम उसको पकड़ेंगे। तो जो जो व्यक्ति इसको मिलेंगे फुल चेन फॉर्म टू कम्प्लीट करेंगे और हर व्यक्ति इस समय जेल में। इस मामले में कितने आरोपी पकड़ा है? वर्तमान में 2 आरोपी पकड़ाए हैं और शेष के जहाँ पर भाई थोड़ा हाथ